What's up guys, welcome to my YouTube channel. और मैं बताना चाहता हूँ, मैं हूँ अभी द नेस्ट रेस्टोरेंट कैफे में. जिसने अभी तक मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके देखो और मुझे बताओ कैसा लगा. तो अभी मैं जा रहा हूँ द नेस्ट रेस्टोरेंट कैफे के पीछे एक लोकेशन है, ऑसम नेस्ट शूटिंग लोकेशन रामनगर के पास, जो जिम कॉर्बेट है. जिम कॉर्बेट में एक अकेली शूटिंग लोकेशन है, तो यहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हो. अभी वहाँ जा रहा हूँ. तो अब ये यहाँ से मेरे पीछे से शूटिंग लोकेशन स्टार्ट है. आज तो मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी है और अभी हमको नैनीताल निकलना है. और ये देखो, आप पीछे देख सकते हो पूरा सेटअप है. ये अच्छा लगा मेरे को ये गेट. मेरे को बोला कि हम नैनीताल जा रहे हैं, मैंने कहा ठीक है नैनीताल जा रहे हैं. हम नैनीताल में कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम नैनीताल में नैनीताल जा रहे हैं. मैंने कहा यार क्या बोल रहे हो, मेरे को बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं. उन्होंने कहा हम नैनीताल जा रहे हैं. फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक ताल है, ताल बोले तो झील जिसको बोलते हैं नैनीताल, तो हम वहाँ जा रहे हैं. मैंने कहा अच्छा ऐसे बोलो ना. तो गाइज मेरे को पता चल गया है हम कहाँ जा रहे हैं. हम जा रहे हैं नैनी की ताल में, बोले तो नैनीताल. तो चलो चलते हैं. और बाकी शूटिंग लोकेशन आपने मेरे पीछे देखी होगी. यहाँ पे आओ विजिट करो, जिम कॉर्बेट में धुकुली के पास है और नेस्ट रेस्टोरेंट कैफे के पीछे है. और इसकी जो लोकेशन है, इसका इंस्टा हैंडल वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके देखो और आओ विजिट करो. अभी मैं आ चुका हूँ नैनीताल में और अभी मैं झील में जाऊंगा, बोटिंग करूंगा. और अभी आधे टाइम कई सेल्फी पॉइंट थे जो मैंने कवर नहीं किए, लेकिन ज्यादा टाइम मुझे कवर करने हैं क्योंकि मुझे सेल्फी लेनी है और गाना चलाना है. सेल्फी मैंने ले ली आज, सर पे मेरे रहता ताज. तो अभी हम हैं नैनी की झील पे और नैनीताल इस जगह का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है नंदा देवी का, इसलिए इस जगह का नाम नैनीताल है. और अभी नैनी की झील पे मैं आ गया हूँ. दिखाता हूँ, मछली देखनी है देखो. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो झील है इसकी आज तक गहराई पता नहीं चली है, इतनी गहरी है. मैं इसमें अभी कूद के देखता हूँ और बताता हूँ आपको कितनी गहरी है. दो मिनट. तो अभी हम बोट चलाने वाले हैं और बोट चलाने से पहले जैकेट पहनेंगे, फिर बोट में जाएंगे जल्दी. तो अभी मैंने अपनी लाइफ गार्ड जैकेट पहन ली है और मैं ले रहा हूँ ड्रैगन वाली, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ड्रैगन बॉल जी देखता था. तो आज ड्रैगन वाली मैं बोट ले रहा हूँ. भैया लीक वीक तो नहीं करेगी भैया? डेप्थ कितनी है, कितना गहरा है? बचने के भी नहीं. अरे ऐसा कुछ नहीं, लाइफ जैकेट पहन रखी है. अभी भैया ने मेरे को एक और चीज बताई, जैसे हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी ये जैकेट ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगी. और ये जैकेट खास अमेरिका से ट्रांसपोर्ट कराई गई है, बोले तो यूएसए से. द थिंग इज, हम चार लोग इस बोट में बैठे हैं और ये मेरा ड्रैगन है बेड़े. आज मेरी जान तेरे हाथ में. मेरे दोनों चालक है ये जो पैंडल मार रहे हैं, तो गाड़ी चलाओ चालक. चलो चालक, एक घंटे के लिए हमने ड्रैगन खरीद लिया है. गाड़ी बीच में लो यार, साइड में चला रहे हो तुम. चलो छोटू गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो छोटू. पता है क्या, मेरे को ना राजा महाराजा वाला फील आ रहा है कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और ये मेरे दोनों ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, और मतलब एकदम अलग सा फील आ रहा है. तो ये मेरा ड्रैगन है. अब मैं कह रहा हूँ सामने सेना खड़ी है मेरे राज्य पर कब्जा करने के लिए, अब मैं हमला करने जा रहा हूँ. तो जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हो पेड़, इनका व्यू एकदम नेक्स्ट लेवल आ रहा है, दिखाता हूँ देखो. तो अभी जो हम जिस एरिया में थे वो धूप वाला एरिया था, अब हम छांव वाले एरिया में आ गए और यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी हैं पास. और अभी हम जा रहे हैं उस दीवार को टच करने, उसे छुएंगे. और हम आए थे वहां से, देख रहे हो आप. और मेरे को एक चीज पता चली है, जैसे ही मान लो कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो इस लाइफ जैकेट में ये सीटी है. तो अभी मैं सीटी बजा रहा था और ये मैडम बोलती है कि किसी लोगों ने इसको मुंह में डाला होगा. आपको नहीं पता मैडम, ये सब चीज सैनिटाइज हो जाती है. अरे यार अपने अंदर का तो आश्वासन कर लो, जो गलती हो गई वो हो गई, सब सैनिटाइज है, सब ठीक है, सब ठीक है. मैंने फाइनली इस दीवार को छू लिया. अबे नहीं छू लिया, पेड़ छू लिया, मतलब दीवार छू ली, ठीक है. तो अब हम उधर चल रहे हैं. अभी हमारा जो ड्रैगन था, ये जो ड्रैगन है ये इस दीवार से टकरा गया और नाव वाला देख रहा है, मुझे लग रहा है वो कुछ उल्टा बोलेगा, लेकिन कोई नहीं हम उसको संभाल लेंगे क्योंकि एक मैडम है ये भी बहुत उल्टा बोलती है, बहुत ही ज्यादा उल्टा बोलती है जिसकी कोई सीमा नहीं है. तो अभी सडनली हम एक चट्टान से टकराने वाले थे और हमको पता चला कि ये गाड़ी बैक भी होती है. तो आप देखो ये बैक जा रही है यार, इसमें कितने फीचर है. मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट सब आ जाएगा. तो
तो यहाँ से पता चलता है कि हो रहा है भारत का निर्माण। तो अभी हम सब भ्रमण कर रहे थे इस झील के अंदर और मेरे जो चालक हैं, ड्राइवर हैं, वो मंदिर के पास ले आए हैं दर्शन के लिए। हालांकि हम ऊपर नहीं जा सकते लेकिन हम यहीं से दर्शन करेंगे। अब ठंड लगने लगी है भाई, धूप में लो गाड़ी, धूप में लो। तो जो आपको मेरे पीछे वो ड्राम दिख रहा है वो इसलिए यहाँ पे इसको स्पॉट कर रखा है। इसके नीचे बहुत बड़ा पत्थर डाल रखा है बिल्कुल अंदर तक, ताकि ये यहीं पे रहे। ये गोल चक्कर जितनी भी बोट है इस ड्रम के उधर से गोल चक्कर लगा के वापस जाती है, तो ये इसलिए अभी हम उसको जाके छुएंगे। तो मेरे को मेरे ड्राइवर की ड्राइविंग पसंद नहीं आई है, एकदम वाहियात ड्राइवर है, मैंने जिंदगी में नहीं देखा ऐसा ड्राइवर। तो अब गाड़ी मैं चलाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ। ये तो सही है, और स्टेयरिंग जो है वो है ये, इसको आप ऐसे ऐसे कर दो तो मुड़ेगी और रेस दिख। ये जो है ये रेस है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं ड्राम के पास, अभी ड्राम को छू रहे हैं हम। इधर कर, एकदम चुपका दे, टक्कर दे दे दे, आगे आगे आगे, इधर कर। ओ मैडम नहीं। ये ब्लॉग के लिए मैं इसको छूने आया था, अब मैं इसको अंदर करूंगा। जा बेटा अंदर, ठीक है, चलो चलते हैं। आज मुझे पता चला हमारे भारत में इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी सोकर गाड़ी चलाते हैं, देख सकते हो आप। सॉरी, मेरे कहने का मतलब था ड्राइवर सोकर गाड़ी चलाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी पार्किंग में, यहाँ हम अपनी गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में, और यहाँ तक का सफर था हमारा झील का, अभी आगे भी चलेंगे, व्लॉग खत्म नहीं हुआ है। तो ये व्लॉग मेरा यहीं तक था, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर मुझे फॉलो कर लो। मैं भी कहीं और जाने वाला था लेकिन दिल्ली से कॉल आ गया है तो मुझे जाना पड़ रहा है, और ये व्लॉग यहीं तक है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से फॉलो कर लो।